हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने जा रहे हैं आंवले का मुरब्बा। आंवला ले लिया है 1 kg और इसको धो के अच्छे से और सुखा लिया है हल्की धूप में रख के। अब हम इसको स्टीम करेंगे। स्टीम के लिए हमने पानी ले लिया, बॉईल आ जाएगा। उसके बाद हमने छन्नी रख लेनी है। अगर आपके पास स्टीमर है तो आप वो रख लीजिए और उसको फिर हम उस पर रख के थोड़ी देर के लिए स्टीम कर लेंगे, जिससे कच्चा हल्का बॉईल हो जाएगा तो उससे छेद करने में उसमें आसानी रहेगी। हम इसको ढक्कन हटा के 15 मिनट लगभग हम इसको स्टीम करेंगे और ढक्कन हटा के एक बार देख लेंगे। फिर इसको हटा के थोड़ी देर ठंडा हो जाने के बाद तो हल्की धूप में 1 घंटे लगभग सुखा लेंगे, या फैन के नीचे भी रख सकते हैं 1 घंटे के लिए। सूख जाए तो फिर इसको हम आटे वाले चम्मच से इसे इसमें छेद कर लेंगे। अच्छे से हम छेद करके, जितने ज़्यादा अच्छे से छेद करेंगे उतना अंदर इसके चाशनी और रसीला बनेगा। हमने देखिए, अब हमारा ये तैयार है। हमने इसमें पूरा मुरब्बा छेद करके रख लिया। इसको हल्का अब इसकी चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। कढ़ाई रख लिया। अब हम चाशनी बनाएंगे। इसमें चीनी करीब 700 ग्राम लिया है और गुड़ हमने ले लिया है 250 ग्राम। जितना आंवला हो उतना ही आप चीनी और या फिर गुड़, आप या इसको चीनी या फिर गुड़ में भी बना सकते हैं। तो हमने दोनों ले लिया है। अब इसको हम कढ़ाई में डाल लेते हैं। दोनों में अच्छा टेस्ट आता है। अगर मिक्स करके बनाते हैं तो बहुत अच्छा कलर आता है गुड़ की वजह से। तो अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और अच्छे से मिला देंगे और उसके बाद इसको थोड़ी देर के लिए ढक के छोड़ देंगे और इसको फिर हम 15 मिनट पे ढक्कन हटा के चला लेंगे। एक बार ये चीनी नीचे से जले ना, अच्छे से उसको मिक्स कर देंगे तो चीनी अपने आप धीरे धीरे नीचे से पिघलती जाएगी और चाशनी पतली होती जाएगी। अब देखिए चाशनी कितनी अच्छी, अब अच्छे से पतली हो गई है और कितना अच्छा बॉईल आ गया है। इसको हम ऐसे ही अच्छे से बॉईल, चीनी और गुड़ दोनों ही अच्छे से मेल्ट हो गए हैं और देखिए कितना अच्छे से बॉईल आ रहा है। ऐसे ही इसको थोड़ी देर तक पकाएंगे। इसका कड़वापन निकल जाए और देखिए चाशनी, देखिए कितनी अच्छी पतली चाशनी बनी और बिल्कुल गुलाब जामुन के रसीले, गुलाब जामुन जैसे छोटे छोटे लग रहे हैं। लास्ट में आप इलायची या फिर रोज़ वाटर, इसको आप जार में ठंडा हो जाने के बाद जार में रख लीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल।